राइट right? सो so, आज की वीडियो के अंदर भी हम केस स्टडी करने वाले हैं और सो, मतलब केस स्टडी करने का सबसे ज़्यादा मेन पर्पज यही है कि हमारे जितने भी कंसेप्ट है ना जितने भी हमने पढ़े हैं उसका एक बहुत अच्छा सा री कैप मिल जाए कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वी आर एबल टू सॉल्व इट राइट सो लेट स्टार्ट विद अर केस स्टडी सारा वज पर्सुइंग हर ग्रेजुएशन एवरी डे शी शो हर मदर वर्किंग टायरलेसली एट होम आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हर वर्क प्लेस ई डिसाइडेड टू स्टार्ट अ टिफिन सर्विस टू इंक्रीज हर फैमिली इनकम टू बिगिन विद अदर स्टार्टड सपलाइंग टिफिन ओनली इन द नेबरहुड एवरी डे शी डिटेल्ड आउट द मेन्यू आफ्टर कंसल्टिंग हर मदर फॉर इन्फॉर्मिंग दी पीपल अबाउट हर सर्विस शी डिजाइन द ब्यूटीफुल इनफॉमेटिव फैम्पलेट गॉड इड प्रिंट प्रिंटेड गॉड इड प्रिंटेड एंड स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन it through the daily newspaper. Uh, she also appointed two delivery boy to deliver tiffin. The business was slow to begin.

होगा बट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी क्रिएटिव कितना इतना सोचा इसने तो इसमें क्या लिखा हुआ ग्रेजुएशन कर रही है और वो हर दिन आती थी, थी वो देखी थी उसकी मम्मी बहुत 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 ज़्यादा थकी हुई है अपने काम से तो उसने बोला कि ठीक है मतलब मेरी मम्मी इतनी मेहनत कर रही है चलो मैं भी मेहनत करती हूँ तो इसलिए उसने क्या बोला कि अब मतलब अपनी फैमिली के बज़नेस को बढ़ाने के लिए उसने बोला कि अब मैं मतलब टिफिन सर्विसेज सप्लाई करना स्टार्ट करूँगी तो स्टार्टिंग उसने सिर्फ नेबरवुड में सप्लाई करा मतलब पड़ोसी के अंदर और फिर उसके बाद क्या हुआ उसने अपना मेन्यू निकाला उसको प्रिंट करवाया पैम्प्रेट दिया और न्यूज़पेपर के साथ बांटना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने काफ़ी अच्छा बिजनेस चलने लग गया तो उसने टू डिलीवरी बॉय उसको भी रख लिया तो इसके अंदर बोला गया किस एडवर्टीज़मेंट टूल को हमने यूज़ किया गया है इसके अंदर किस टूल को यूज़ किया गया तो वेरी ईजी तो एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइज एडवर्टाइजिंग है ना के का यूज़ करना पैम्पलेट को न्यूज़पेपर के साथ देना आपके पास भी देखा न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर पैम्पलेट्स आते हैं लाइक घर के गाड़ी के स्कूटी के ठीक है तो उसको तो एडवर्टीज एडवर्टीज एडवर्टाइजिंग ही बोलेंगे वो भी एक तरह का एडवर्टाइजमेंट ही है ठीक है तो और क्योंकि मैंने आपको लास्ट के स्टडी समझाते हुए बोला था कि वन मार्क्स का को क्वेश्चन है इट रिली डजेंट मैटर आपको वन लाइन वन टू टू लाइन एक्सप्लेनेशन देकर आनी है इफ़ टाइम परमिट ठीक है टाइम हमको दे रहा है तो टू लाइन का लिखी नहीं तो एक लाइन का तो लेकर आना है ठीक है ना इसमें नहीं दे रखा बिकॉज एडवर्टाइजिंग को हमने बहुत डिटेल में कर रखा है अपनी प्रीवियस वीडियो को और बहुत मतलब बहुत डिटेल में बहुत ज़्यादा डिटेल में कर रखा है इसलिए मैंने इस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ठीक है

कोई भी हाँ, हमारा सेम दोबारा से है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और जिसको नहीं एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई है वो आंसर देख के अपना आगे प्रोसीड कर सकता है राइट तो इसमें क्या है कोई कंपनी है गुड लिविंग और वो मैफेक्चर करती है मॉस्किटो टैबलेट ठीक है और एक टैब मतलब तो एक जो पत्ता है स्ट्रिप जो है हमारी वो उसके अंदर बारह टैबलेट्स आती हैं और उसको मतलब ईच ऑफ़ दीज स्ट्रेप जो है ना वो हमने पैक कर रखा है कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर और फिर हमने फोर्टी बॉक्स को दोबारा से एक बड़े से कॉरोगेटेड बॉक्स के अंदर जो ब्राउन कलर के बॉक्स आते हैं ना मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके अंदर पैक कर रखा है तो आपको यहाँ पर पैकेजिंग ऑफ द टैबलेट बताना है कि जो हमने कॉरोगेटेड बॉक्स के अंदर कर रखा वो किस लेवल का पैकेजिंग है तो तो बहुत ईजी है ठीक है ना पैकेजिंग ऑफ़ द टैबलेट इन अ कॉरोगेटेड बॉक्स इज़ नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था हमारा ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग के लिए भी बहुत स्पेशल अलग से एक वीडियो बनाई गई है मतलब पूरा पैकेजिंग उसके अंदर समझाया गया है उसकी थ्री लेवल्स बताए गए हैं उसको मैंने पिक्चर से भी दिखाया गया उसके अंदर मैंने क्वालिट का एग्जाम्पल दिया था सो इफ़ यू हैव एनी डाउट दैन डू रेफर दोज वीडियोज़ एंड आई एल श्योर यू दट यू यू डेफिनेटली गेट अ गुड सॉर्ट ऑफ आइडिया अबाउट हाउ दी थिंग्स गोइंग राइट तो एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर ठीक है ये 2016 का सीबीएसई का क्वेश्चन है तो इट्स एन इम्पॉटेंट एंड वन नंबर का है तो देखिए इतनी एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसने तो आप थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन दे सकते हो जैसे कि क्योंकि ये कॉरोगेटेड बॉक्स के अंदर है तो ये जो है ना ये हमारा टेरिश्री लेवल पर आता है तो उसकी तीन लेवल है तो थर्ड सबसे लास्ट लेवल जो आता है ना वो तो आप ये भी लाइन लिख सकते हैं इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना इतना भी लिखेंगे तो चलेगा बट उतना लिख देंगे तो उसमें कोई इशू तो नहीं रहेगा ना ठीक है सो I hope and this is ho um, all of the today's video and I hope you understood and um, uh, if you have any doubt then do comment below do like share subscribe I'm very thankful to you bye bye guys take care